हार्ड हिटिंग डायलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बीजेपी ने फेंका जाल, महाविकास अघाड़ी में मच रहा है बवाल। दोस्तों, महाराष्ट्र में तेजी से सियासी समीकरण बदल रहे हैं, जहां एक और एनसीपी चीफ शरद पवार ने सरकार के खिलाफ विपक्ष के मुद्दों की हवा निकाल दी, तो वहीं उनके भतीजे अजीत पवार पीएम मोदी के करिश्मे की तारीफ कर रहे हैं। इन सब के बीच बीजेपी ने एनसीपी को साथ आने का न्योता दे डाला है। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा है कि अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवाद के साथ आना चाहती है तो किसी को क्या समस्या। उधर अजीत पवार ने महागठबंधन में पड़ रही दरार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल महाराष्ट्र में 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, वहीं एनसीपी कांग्रेस ने साथ मिलकर मैदान में उतरी थी। बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिला था, लेकिन सीएम के पद को लेकर दोनों पार्टियों में विवाद हो गया था। इसके बाद बीजेपी और शिवसेना की राह अलग अलग हो गई थी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई थी। एकनाथ शिंदे गुट की बगावत के बाद उद्धव सरकार गिर गई थी, लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन बरकरार रहा था। लेकिन अब इसमें फूट पड़ती दिख रही है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने एनसीपी के साथ गठबंधन से जुड़े सवाल पर कहा कि अगर राष्ट्रवादी राष्ट्रवाद के साथ आना चाहें तो क्या परेशानी है, हम खुद राष्ट्रवाद के साथ हैं। अच्छी बात है अगर वो राष्ट्रवाद की तरफ आना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। देश के हित में अगर वो बात करना चाहते हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। अगर उद्धव के साथ नहीं जाकर वे जनतंत्र के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो उसमें हमें क्या दिक्कत होगी। रास्ता बड़ा है, एक कदम उन्हें बढ़ाने दीजिए, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में जनवरी फरवरी में समीकरण बदलेंगे, कांग्रेस खुद अलग थलग पड़ जाएगी। दोस्तों, उधर अजीत पवार ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को महाविकास अघाड़ी में रार की वजह बताया। अजीत पवार ने कहा कि नाना पटोले द्वारा मीडिया में दिए जा रहे बयान अनावश्यक हैं, वे अघाड़ी में दरार पैदा करने वाले हैं, वे मीडिया में बयान क्यों देते हैं। अगर उनके पास सवाल हैं तो मुझसे या उद्धव जी से बात कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे महाराष्ट्र में भी समीकरण तेजी से बदलते दिख रहे हैं। एक ओर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी दल रणनीति के तहत मोदी सरकार को घेरने में जुटे हैं, जहां राहुल लगातार अडानी और सावरकर के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी पीएम की फर्जी डिग्री पर पीएम मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साध रही है। इन सब के बीच शरद पवार ने विपक्ष के मुद्दों पर ही अख्तियार अलग रुख अपना लिया है। उन्होंने पिछले 10 दिन में सावरकर, अडानी और पीएम मोदी की फर्जी डिग्री मामले पर बीजेपी को राहत देने वाले बयान दिए। शरद पवार के बयान को विपक्षी एकजुटता के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले अजीत पवार भी विपक्षी दलों की धड़कनें बढ़ा चुके हैं। उन्होंने पिछले दिनों पीएम मोदी की तारीफ की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने उस ईवीएम पर भी भरोसा जताया था जिस पर विपक्षी नेता समय समय पर अपने हिसाब से सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे ईवीएम पर पूरा भरोसा है, कोई एक व्यक्ति ईवीएम में हेरफेर नहीं कर सकता है, यह एक बड़ी प्रणाली है, हारने वाली पार्टी ईवीएम को दोष देती है, लेकिन ये लोगों का जनादेश है। उन्होंने कहा जिस पार्टी के केवल 2 सांसद थे उसने पीएम मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 में जनादेश से सरकार बनाई और देश के दूर दराज वाले इलाकों में पहुंच गई, और क्या ये मोदी का करिश्मा नहीं है। उधर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने केंद्र के मंत्रियों की तारीफ की है। उन्होंने बीजेपी नेताओं की तारीफ करते हुए कहा कि गडकरी अच्छा काम कर रहे हैं, जयशंकर जी अच्छा काम कर रहे हैं, रेलवे मंत्रालय के द्वारा भी अच्छे काम किए जा रहे हैं, लेकिन मेरा सामाजिक न्याय मंत्रालय से झगड़ा है, मंत्रालय द्वारा मेरे क्षेत्र के लिए आवश्यक सहायता प्रदान नहीं की जा रही है, हालांकि व्यक्तिगत नहीं है, मैं अच्छे काम के लिए हमेशा आभार व्यक्त करती हूं। दोस्तों, एमबीए नेताओं में मतभेद और शरद पवार और अजीत पवार के बयानों के बाद एनसीपी के एनडीए में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे भी अजीत पवार का बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर किसी से छिपा नहीं है। 2019 विधानसभा चुनाव में एनसीपी की पार्टी लाइन से अलग जाकर फडणवीस के साथ वो सरकार बना चुके हैं। हालांकि शरद पवार के दबाव के बाद अजीत पवार को वापस लौटना पड़ा था। 72 घंटे में उन्होंने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।